क्या क्या है और ये मिठाई है अरे वो जोर से चले हट जा रही है कुछ पता नहीं है तो सामान से मिल लीजिए अरे थोड़ा इतना भीड़ है यार हमारे घर में देख रही है कितने वाहन हैं हां तो ही पूरी छना रहा है पूरी लाल परी नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है संतोष लालपरी ब्लॉग्स में। आज रक्षाबंधन है इसलिए आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मेरी बीवी क्या कर रही है। अभी हमारे घर में सब खाना वाना बन रहा है, तैयारियां चल रही है। माँ भी उधर कुछ काम कर रही है। वो आज हमारे घर में बनने वाला है फुलौरा। बहुत दिनों बाद फुलौरा आप लोग के भाषा में क्या बोला जाता है, दही बारा भी उसे बोला जाता है, क्योंकि उसके लिए बनाया जा रहा है। धोई भिगो कर अच्छा से रात भर में रात में भिगोया गया था, उसके बाद सुबह में उसको पीसा जा रहा है, एकदम चिकना मुलायम किया जा रहा है। खीर बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं चना है। बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। खीर पूरी सब्जी फुलौरा चावल देखिए ये कैसा दाल है जी, इनको उबाले हैं और इनको पीसना है सिर पे। दाल अच्छा से उबाल लिया गया है, इसको पीस कर और इसका पूरी बनेगा। और ये चना है सब्जी में के लिए, और यहाँ पे रखा हुआ है ये दूध है उसके लिए, ये सोयाबीन है, यहाँ पे आटा मार के रख लिया गया है पूरी छानने के लिए, और इसमें आलू है, और इसमें आलू छिना गया है, उबाला गया है आलू सब्जी के लिए। और इधर माँ बना रही है फुलौरे के लिए धोई। देखिए धोई पिसा रहा है सील पे, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, इसमें है धोई, एक रम धोई बा माई, उसमें धोई नहीं है थोड़ा है, देखिए ये धोई है, ये धोई है, आप लोग देखे होंगे धोई है, यही है पिसा रहा है। देखिए आया हुआ है दही, देखिए फुलौरा के लिए आया है। दादा कितना अथू होता है धोए के ना पड़ी धो दे तो इसमें फुलौरा को बना के भेजा जाएगा। देखिए तब तो ढेर ना बहुत खट्टा आ रहा है इधर से सुगंध, बहुत मस्त लग रहा है, मन कर रहा है खाने के लिए। इधर खीर तैयार हो रहा है, इसके बाद पूरी तैयार होगा, इसके बाद पूजा होगा, इसके बाद खाएंगे हम। ये उबाला हुआ दाल है, ये पीसा जा रहा है, इसको पूरी बनेगा। यहाँ पे देखिए पीस रही है लाल परी। कितना देर में पीसा जी? हेलो, 5 मिनट में ये पीसा जाएगा पूरा। हल्का हाथों से इसको बेला जाता है, दबा देने पे फूट जाएगा। ये बन गया है हाफ, इसको एक तरह से समझिए कि उबाला जा रहा है अभी तावे पे। ऐसा क्यों करते हैं जानते हैं? तेल कम लगता है और कांच भी नहीं रहता है, जल्दी पक जाता है इसीलिए। सीख लेंगे यार तो काम करेगा कभी। अरे कैसे करे लगा जी, तेल डाला रहा है और यहाँ पे इसके बारे में बताइए जी क्या है। ये है फुलौरा जो माठा में डाला जाता है, एक पाउडर जो काला काला दिखता है उसी को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या डाला गया है, पत्ता है, धनिया है, जीरा है और कुछ नहीं ना जी। हाँ
यहाँ पे मिर्चा भूज के और यहाँ पे लाल मिर्च भूज कर रखा गया है। इसको पाउडर बना लिया जाएगा और इसके बाद इसको पीस कर पाउडर बनाया जाएगा। इसके बाद जो होता है मंठा उसमें डालेंगे दही, दही में मंठा में डाला जाएगा। ले आई हो गरम में छला ना तो पूरी छना रहा है पूरी। लाल परी देखिए इधर बहुत खुश है, कितना पूरी बन गया है, सब पूरी बन गया है। पूरी निकाला जा रहा है आलू चना है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अब ये निकलेगा गोल गोल पूरी, गोल गोल ना चाहता। इसको निकालिए अच्छा से, फिर डालिए तेल, अच्छा से गर जाना चाहिए। यहाँ पे रखा जा रहा है जो तेल है वो उसमें अगला वाला में सोख ले। तो यहाँ पे हो गया है पूरी तैयार, पूरी हमारा बन गया है। अंश खा रहा है पूरी। पूरी खिया भाव बेटी, हमको खिया पूरी। मम्मी कहने भी कहने भी मम्मी मैं मम्मी पूरी बनाऊं थी मम हाँ क्या पिछवा पिछवा क्या तब पापा हमारे हाँ ये पूरी खाता पिछवा फिर गुर्रे वक्त हैने हैने तक हैने हैने पीछे तक हैने होगा हैने 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 पीछे पिराई देखिए लाल परी खा रही है पूरी बैठकर। पूरी हमारा बन गया है और पूजा वूजा हो गया है कंप्लीट एकदम। अंश आ गया था रोने लगा था इसलिए हम नहीं दिखा पाए यार। पूजा को वीडियो ना बनाऊंगी आ इनके खिलाई के हल्ला गनु के। अंश आ गया था रोने लगा था और मैं चला गया था इसको लेकर। कैसन पूरी लगा था? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा पूरी लग रहा है यार। कर रहा है सिर्फ पूरी खाते रहे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि भूख लगा है शायद से। ऐसा होता है कि भूख लगता है तो बहुत चीज़ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए घींच दी सूंछे एगो पूरी। मिक्सचर रेडी हो गया है ये धोई का। अब लाल परी बताएगी इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है, मिलाया गया है। इसमें मिलाया गया है जीरा, मरीच, तेजपात, गरम मसाला, नमक, बस इतना ही। इन्होंने जो भी बताया है उस सब को पीस करके पाउडर बना करके इसमें मिलाया गया है और धोई भी पीस कर ये है। अब इसको डायरेक्ट डाला जाएगा छोटा छोटा करके, छाना जाएगा तेल में। क्या प्रोसेस होता है इनका चेक करने का लाल भरिया सिखाएगी। मतलब कि फुलारा होगी एकदम बढ़िया। देखिए ये पानी में तैर रहा है, ऊपर रह रहा है, मतलब डूब नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब फुलारा अच्छा बनेगा, फूलेगा, फुलारा अच्छा बनेगा और फूलेगा, सॉफ्ट होगा, इसीलिए चेक किया जाता है। कोई कोई आप फुलौरा देखे होंगे कि बीच में कड़ा होता है, टाइट होता है, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट होगा और फूलेगा भी। पानी डाल दीजिए। फुलौरा छना रहा है। ये फुलौरा तैयार हो गया है, अब निकलेगा फुलौरा। लाल परी फुलौरा निकाल रही है। इधर देखिए खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत फुलौरा बन रहा है। दूगो फुलौरा अभी तैर रहा है, इधर फुलौरा निकल गया है। देखिए कितना खूबसूरत है फुलौरा। तो इसमें ज़्यादा डाला गया है
फुला रहा है इसीलिए सट रहा है। देखिए आधा पक चुका है, अब इसको पलाटा जा रहा है कि अच्छा से हो जाए सब जगह से। अब हमारा फुलौरा बन जाएगा, 10 मिनट देरी है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने जाएंगे। और देखिए लाल परी, फाइनली हमारा फुलौरा बनकर हो गया है रेडी। देख लीजिए लाल परी के हाथों में है, दिखाइए जी। देखिए इनसे टकरा नहीं रहा है, फुलौरा बन गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फुलौरा, हम दिखा रहे हैं अपने हाथ से। देखिए आप लोगों को खाना होगा तो कमेंट करिए, हम लोग बुलाएंगे किसी दिन, इन्वाइट करेंगे और बनाएंगे, खिलाएंगे आपको। हमारे घर में सब लोग खा लिए हैं फुलौरा, बहुत फुलौरा बना है यार, अभी बहुत है तसली में। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फुलौरा। और अब हम भी जा रहे हैं खाने, हम अभी खाना नहीं खाए हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता किए हैं और लाल परी भी अब खाना खाएगी, तो अब चल रहे हैं हम लोग खाना खाने। हम यार कभी से खाना मांग रहे हैं, लाल परी बात करने में बिजी है, बात नहीं सुन रही है। हम चल रहे हैं अपने आप से खाना लेने। देखिए एक फुलौरा लेकर चली गई यार, भूख लग गया ज़बरदस्त। हम जा रहे हैं खुद से खाना लेकर खाने, एगो फुलौरा ले लिए हैं और लेंगे एक फुलौरा। देखिए यहाँ पे फुलौरा रखा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, ये है फुलौरा। देखो हमारा ये है सूखा रखा हुआ है, जिसको खाना होगा आ सकता है खाने के लिए। आप लोग आइए और खा लीजिए। और हम ले ले रहे हैं एक और, यहाँ पे देखिए रखा हुआ है तस्वीर में। और मांठा ले ले रहे हैं, मांठा ले ले रहे हैं थोड़ा सा। चल रहे हैं लेने चावल, संतोष लाल परी बोलो, चावल ले रहे हैं। नाम YouTube पर सर्च करियो ना, याद है। देखिए हम सोचे यार गिर गया, यहाँ पे चावल रखा हुआ है। देखिए सब्सक्राइब कर दिया, चावल दे रहे हैं। हम ले लिए हैं चावल भात, चावल भात देखिए होता है यार। हम ले लिए फुलौरा चावल, फुलौरा भात ले लिए हैं। लाल परी भी अपने लिए खाना ले रही है, लाल परी भी अपने लिए खाना काट रही है अब कटोरी में। फुलौरा हमारा देख रहे हैं आप लोग, और इतना लाइट आ जा रहा है कि क्या कहें। दूगो फुलौरा है और भात है, आ गए हैं हम अपने घर में। अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। खाना खाकर मिल रहे हैं, खाना अच्छा बना है, सब लोग खा लिया है, तो खाना खाने के बाद हम मिल रहे हैं। देखिए अंश का बना रहा है राखी, हम अंश की दो बहन है, बड़े भैया की बेटी राखी बांध रही है। आई अंश खा रहा है रसगुल्ला, राखी बांध रही है छोटी बहन। होना में हाँ ओकरे में हो बच्चा, ओकरे में बनवा लो, ओकरे में ओकरे में। देखिए मना कर रहा है। देखिए लाल परी भी रेडी हो गई है, ये जाने वाली है राखी बांधने। बनवा लो बच्चा, बनवा लो, दीदी आई है, ये तक खाना दे ले, मिठाई खा लो बच्चा, मिठाई खा लो। देखिए अंश का राज है, मिठाई खाते खाते इसका पेट भर गया है। फाइनली हो गया है तैयारी राखी बांधने का। देखिए हमारा पूरा परिवार यहाँ पे जुटा हुआ है। देखिए हम लोग का राखी बनाएगा, एक सिर्फ बना गया है अभी तक, मेरा भाई है, कैमरा कर रहा है, फोटो खींच रहा है।
सामान आया है। डहन हमको हमेशा डांटते रहता है, कभी कुछ काम नहीं करने देता है। देखिए अभी पिपिया रहा है, देखिए सब मन तैयारी कर रही है। ये बड़े भैया हैं, ये भाभी हैं, आ गया बस यार, सेल्फी खिंचा रहे हैं अपना फोटो। कहां मदतार घर है, हम सरिया ही ना का हो है तारे। यहां पे देखिए सब बहन है तैयारी कर रही है। क्या क्या है और ये मिठाई है छेने का, और पेट में भी मिठाई रखा हुआ है। ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं और इधर कैमरा मैन देखिए, तीन तीन भाई कैमरा मैन है और एक स्टाइल और एक स्टाइल, सब वहाँ का सेल्फी क्लिक हो रहा है। देखिए कैमरा मैन भाई साहब हैं जो भी है, सब मोबाइल लेकर कैमरा कर रहा है। आरती हो रहा है, चार पीछे चला तांची इतना भीड़ है यार हमारे घर में, देख रही है कितने बहन है। बड़ी दीदी है राखी बांध रही है सेकंड टाइम, और एक बहन चली गई है बांध कर, एक दो राखी एक ही साथ बना गया है। एक दीदी अभी नहीं आई है, हम अभी हैं उत्तर प्रदेश, अब देखिए कब तक आती है, आने में शायद हो जाएगा रात, इसलिए उसका जो है हिस्सा वो बांध दी। वो आएगी तो डायरेक्ट गर्ल मिठाई खिलाएगी। उषा दीदी रहुआ क्या करता नहीं पाहुना ही ना करे पाहुन लाल बिहारी के ना लिया इलिया की के ना। देखिए खा रहे हैं छेना छेना, देखिए छेना छेना राम के लिए बाबा जी के नाम बनाए मुझे ना बता राम के लिए बनाए मिठाई। वो मचा में तीन ही को बनाए जो हमारा सकवा हो गई। हाले तो फाइनल कर ही देखिए भैया से मिठाई खत्म नहीं हो रहा है कि दे ये छोटा भाई को एक बार दिए थे। देखिए नंबर कौन बना के रखा है, एक ही पे अब वो बना रहा है, दिल दुखा रहा है या जाता है मिठाई आ गया है कौन करे बाबा जान शहर में रख दिया हो गया। देखिए हमरे में अभी मिठाई है का नंबर चौथा राशि माना जा रहा है, फाड़ा जा हो गई तो भैया मिठाई ट्रांसफर कर रहे हैं। हरिए सर हरिए थोड़ा सब पेटी का मिठाई उड़िया मेरे छोटे भाई इधर देखिए अंधेरा में खड़ा है तो बात लग रहा है सर, हम देख रहे हैं हाथ हिला रहे हैं कैसे। अरे मोबाइल दीजिए सर, खाना बनाने का जरूरत नहीं है, बल गए हैं मिठाई से। देख लो हम बहुत मिठाई खा लिए हैं, उनका नंबर कंप्लीट हो गया है, अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
पहले को कपड़ा दो और आतू लगा बका हो बका चलो इनकम धैले कर जा तू सब को मत कर एक बजे पापा घी जा हमार सब तेरे पर नहीं खुश रहो खुश रहो मिठाई यार खाते रहिए रुक जाओ अब चले दीदी बहन भूख बुझा था हो गया चले सेल्फी क्लिक हो रहा है सब लोग खुश हैं ये सर आई एम हैंडसम बॉय हट जाइए और भाई क्या जा रहे हैं ससुरारी मजा आ रहा है तो ये जाएंगे ससुरारी अब भाई ताकी भैया ताकी साफ नंबर अरे सूर्या कंप्लीट हम लोग अपनी साइड पहले आए थे हम लोग बांध लिए हैं देखिए चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं राखी का हो गया कंप्लीट सब राखी बांध दिया गया है एक दिन नहीं आई है अभी अभी वो रास्ते में है कि कहाँ आए कुछ पता नहीं है और ये सब मेरी बहन है अरे भाई एक दो भाई अभी अवेलेबल तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में तब तक आप लोग खुश रहिए और हैप्पी रक्षाबंधन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।